नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर है। यह इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म होगी। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। इस टीजर में कई एरियल एक्शन सीन हैं, पर उन सबको छोड़कर सिर्फ दीपिका के मोनोकिनी सीन पर चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया पर दीपिका को अब तक इस सीन के लिए ट्रोल किया जा रहा था। अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का मानना है कि फिल्म में दीपिका वुमन फाइटर पायलट का अपमान कर रही हैं। कई यूजर्स ने उनकी किसिंग और बिकनी सीन पर आपत्ति जताई है। एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर लिखा, फाइटर का ट्रीजर वुमन फाइटर पायलट का अपमान कर रहा है। हर देश और कल्चर की एक मान्यता होती है, कोई भी भारतीय हमारी बहादुर इंडियन एयरफोर्स वुमन फाइटर पायलट्स के इस तरह पेश किए जाने को अप्रिशिएट नहीं करेगा। शेम ऑन #दीपिका पादुकोण #ऋतिक रोशन। इससे पहले फिल्म पठान में दीपिका के ऑरेंज बिकनी पहनने पर काफ़ी विवाद हुआ था। हालांकि इस बार बात आउटफिट या उसके कलर की नहीं बल्कि उस किरदार की है जिसे दीपिका फिल्म में निभा रही है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फाइटर 25 जनवरी 2024 में रिलीज होगी। इसमें ऋतिक और दीपिका के अलावा अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर, सुनीता शेख और अक्षय ओबेरॉय भी नजर आएंगे। मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म से एक नया लुक पोस्टर रिलीज किया है। इसके जरिए उन्होंने करण सिंह ग्रोवर के किरदार ताज से इंट्रोड्यूस करवाया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।